अंजमन दुकानदारान जनरल बस स्टैंड सरगोधा की जानिब से पाकिस्तान मुसल्ला अफवाज के हक में रैली निकाली गई। रैली की शिरकत से खताब करते हुए सदर मोहम्मद आरफ रफीक पलवान, सीनियर नायब सदर हुमायूं भट्ट, जनरल सेक्रेटरी आमिर शाह, नायब सदर आशिक हुसैन का कहना था कि 9 मई के वाकयात किसी भी तरह पाकिस्तान और आवाम के साथ साथ अदारों के हक में बेहतर नहीं थे। जो कुछ 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं। ये सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए। 9 मई को जो हुआ हुआ है उसकी हम मजामत करते हैं। वो अच्छा नहीं हुआ हमारे अदारों के साथ। हम पाक फौज पाक आर्मी के साथ हैं। इंशाल्लाह पाक फौज जिंदाबाद। जो 9 मई को वाकया हुआ है वो गलत हुआ है। इंशाल्लाह हम उसके हक में नहीं है। हम पाक फौज के साथ हैं और रहेंगे। 9 मई को जो वाकया हुआ है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारे जो दुश्मन हैं अजली, उन्होंने ये काम करना था जो हमारी कौम ने किया है, इसका हमें बहुत दुख है और हम इससे दिल बर्दाश्ता हुए हैं। रैली के शिरका का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज ही हमारा फखर है। अगर अफवाज की अहमियत का पता करना है तो कश्मीर, फलस्तीन, इराक और दीगर ममालिक से पूछा जाए। फौज की बदौलत ही हम सुख की नींद सोते हैं। अगर फौज ना हो तो हमारा दुश्मन हमें जिंदा खा जाए।